इमरान तेरी इंशाल्लाह 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 तेरी इंशाल्लाह। मैम क्या कहेंगे आप? बस देख ले इस वक्त क्या हमारे जज्बात हैं, आप खुद देख रहे हैं इस वक्त हम लोगों की, यानी क्या कहें। खान साहब ने इतना कह दिया कि मायूस नहीं होना, हमें मायूस नहीं होना, हम आगे अपने मुल्क को दोबारा, हमें लगता था हमारा मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, बस खत्म हो गया, लेकिन खान साहब ने जो बात की वो पता चल गया कि नहीं, हमारे पास उम्मीद की किरण है अभी, खान साहब हैं, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह उनको जिंदगी दे, उनको सेहत दे, और इंशाल्लाह हम वापस आएंगे जोश जज्बे के साथ। लेकिन चौधरी परवेज इलाही का तो आपने जो चेहरा देखा है स्क्रीन पे उनकी, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने मान तो लिया ना, चेहरा जैसा भी था उन्होंने खान साहब की बात तो मानी, अपनी सियासत बचाई उन्होंने, यकीन करें अगर आज वो अपने अगर ना करते सियासत उनकी खत्म की, आज सियासत बचा ली उन्होंने। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आसिफ जरदारी अब कैसे बचाएंगे ये वफाक को? वो अपना पैसा बचाएंगे, बस पैसा बचाएंगे, उनको लोग हेल्प करेंगे, उनको जैसे जैसे इदारे हमेशा हेल्प करते हैं उनको बाहर भगाएंगे, ये करेंगे बस और कुछ। अच्छा अब असेंबली तहलील हो गई है और इमरान खान को धमकियां भी मिली हैं और कहा जा रहा था कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा, तो पीटीआई इस पे क्या रिएक्शन? धमकियां क्या, खान साहब को तो उन्होंने मार दिया था अपनी तरफ से, गोलियां मार दी थी, खान साहब क्या नहीं डरते किसी से, ये कौन सा पहली दफा सही बात, हार नहीं घबराता इनकी धमकियों से, खान साहब बिल्कुल नहीं घबराएंगे इनकी धमकियों से, और आज इंशाल्लाह हमारे जज्बे जुनून बढ़ गए और हम इंशाल्लाह ताला बढ़ चढ़ के अब इस कैंपेन में ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे।